जी अल्हम्दुलिल्लाह, सुबह से बड़े पुरअमन तरीके से इस वक्त तक इलेक्शन का अमल जारी रहा है और लोगों ने अपना हक़ राय इस्तेमाल किया है। इक्का दुक्का कुछ कहीं कुछ वाक़यात हुए हैं जहाँ पर वहाँ पर भी आर्मी और सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त इंटरवेंशन से वहाँ पे पोलिंग दोबारा शुरू हुई है और ये पोलिंग जो है वो 5 बजे तक जारी रहेगी, जिसमें 1 घंटा बाकी रह गया है। लेकिन उसके साथ ये है कि जो ही 5 बजे के बाद जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद होंगे तो उनको वोट अपना कास्ट करने का हक होगा, और वो जब तक जो वोटर 5 बजे से पहले पोलिंग स्टेशन के आता के अंदर दाखिल हो चुके हैं, जब तक वो अपना वोट पोल नहीं कर लेंगे आखिरी वोटर, उस वक्त तक ये वोटिंग जारी रहेगी। जी ये ऐसी जो खबरें हैं इनमें कोई सदाकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से वोट डाला गया, और जो सबसे बड़ी बात है कि वोट असल शिनाख्ती कार्ड दिखा के डाला जा रहा है। वोटर अपना शिनाख्ती कार्ड लेके पोलिंग स्टेशन के अंदर जा रहा है और वो वोट डाल रहा है, तो इसमें जो धांधली वाली बात है वो तो रूल आउट हो जाती है। जहाँ तक बाकी जो मामलात का तल्लक है, जो है इसमें जो शिकायत हमें की गई हैं, हमने जब अपनी तरफ से उनको वेरीफाई करने की कोशिश की है तो किसी भी शिकायत में हमें कोई सदाकत नहीं मिली है कि इस तरह की कोई बात हो। जी अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर पोलिंग का अमल जारी है। चढ़ोई का एक हल्का था जहाँ पर एक नाखुशगवार वाक़ा हुआ है और इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है कि वहाँ पे इंसानी जानों का ज़िया हुआ है, लेकिन वहाँ पे जब आर्मी की वहाँ पे प्रेजेंस में तो पोलिंग दोबारा शुरू हो चुकी है और पूरे चढ़ोई के हल्के में पोलिंग इस वक्त जारी है। बाकी भी जहाँ पर भी कहीं एक आध मुझे दीरकोट का कोई हल्का पता चला है कि वहाँ पे शायद अब कोई ऐसी सिचुएशन हुई है कि वहाँ पे शायद इसके बाद वो पोलिंग ना हो सके, लेकिन बाकी किसी हल्के से हमें ये रिपोर्ट नहीं है कि पोलिंग बंद हुई है या पोलिंग मुकम्मल नहीं हो सके।